हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को बताया कि हमने बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए एक शॉर्ट टेस्ट का भी सीरीज स्टार्ट किया। आपका जो 25 से 30 मिनट वाला जो आपका 50 प्रश्न का टेस्ट सीरीज होता है वो तो चल ही रहा है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, कवर कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट टेस्ट हम स्टार्ट किए हैं जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, 10 मिनट की वीडियो होती है। कल मैंने जीके का भी टॉप 25 क्वेश्चन का शॉर्ट टेस्ट कराया है। जिन लोगों ने नहीं देखा, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वीडियो के एंड में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर आप लोग जरूर देखिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के एग्जाम डेट को लेकर दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन कल निकल के आई है जिसकी मैंने वीडियो बनाई है, आई बटन पर या फिर वीडियो के एंड में दे दूंगा लिंक, या फिर चैनल पर जाकर आप लोग जरूर देख लीजिए। जो डाउट है आपका कि 19 मई को परीक्षा होगी कि नहीं होगी, आपका क्लियर हो जाएगा और चैनल पर जरूर देखिए जाके। और बहुत अच्छी एक रणनीति बताई है आपकी तैयारी करने के लिए, तो चैनल पर जाइए और कल वाली वीडियो देखिए। एग्जाम डेट को लेकर जो मैंने वीडियो अपलोड की है, बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा कि उसमें आपका बीएड एग्जाम जो है वो 19 मई को होने वाला है नहीं होने वाला है, जरूर देखिएगा। आज हम करने वाले हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन का एक शॉर्ट टेस्ट है, स्पीड टेस्ट। इसमें दोस्तों 10 मिनट की वीडियो होगी, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर करते रहना है और ईमानदारी से वीडियो के एंड में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने इस टेस्ट में सही किए हैं। तो आइए देखते हैं, खुद को आंकते हैं कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। आंसर करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, जिस समास के पदों की में विग्रह नहीं होता है वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दें, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दें। सभी वर्ग वालों के लिए है, चाहे आप साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से या फिर एग्रीकल्चर से, सभी वर्ग वालों के लिए हिंदी और जीके का पेपर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अव्ययी भाव समास जो है इसका कोई समास विग्रह नहीं होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है। सूर्योदय जो है वो किस संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दें आप लोग फटाफट। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए तो मैं बताना चाहूंगा, हमारे चैनल पे 50 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में दोस्तों बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और लगातार कराए जा रहे हैं। टाइमिंग की बात करें तो सुबह मॉर्निंग 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7 बजे हमारी क्लासेस होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आई होप आपने कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, गुड़ संधि। ठीक है, क्या है सूर्योदय में कौन सी संधि है, गुड़ संधि है, तो यहाँ पर गुड़ संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, दही। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी नहीं है। चार शब्द दिए गए, इसमें से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है। आप सभी का आंसर आप लोग करते चले, क्वेश्चन नंबर 4 डालें, ए बी सी डी जो आपको आंसर सही लगे वो आप कमेंट में जरूर लिखा करें। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, हाथी। हाथी जो है ये अविकारी शब्द नहीं है, बाकी यहाँ इधर उधर ये एक अविकारी शब्द है। हाथी जो है ये आपका एक संज्ञा में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। चार ऑप्शन देंगे, इनमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आपको पहचानना है। 5 नंबर का राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन सही है, 10। 10 जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक नहीं है, ये निश्चित संख्यावाचक है, संख्या बताई गई कि 10, बाकी कुछ जिसमें कुछ पता नहीं है कि कितना है, कई कई में भी कुछ बोध नहीं हो रहा कि कितने की बात की जा रही है, सब कुछ भी में कुछ पता नहीं चल रहा है कितना है, कितने की बात की जा रही है, तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक है, बाकी 10 जो है ये संख्यावाचक यानी निश्चित संख्यावाचक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। चार ऑप्शन में कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, 6 का उत्तर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी से, भारत जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भारत एक ही है, इसका कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा ये, भारत जातिवाचक संज्ञा नहीं है ये, बाकी आदमी, औरत, विद्यार्थी एक जाति का बोध करा रहे हैं। विद्यार्थी में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, बहुत सारे आदमी औरत होते हैं, ठीक है, लेकिन भारत एक ही होता है, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है। चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है आपको पहचानना है। देखिए तत्सम तद्भव पहचानने का सबसे आसान तरीका, अगर तत्सम पूछा जा रहा हो कि चारों में से एक तत्सम कौन है, तो बस आप ये देखिए कि चार शब्दों को पढ़िए और आप ये देखिए कि कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसको हम आम भाषा में यूज नहीं करते हैं, उसके जगह पे कोई और ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो बस समझ लीजिए वही आपका तत्सम हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा एक तद्भव है, तो आप ये देख लीजिए कौन सा डेली भाषा में यूज किया जाने वाला शब्द है, वो आपका तद्भव हो जाएगा। इसमें देखिए आदमी, औरत, विद्यार्थी,
भारत। तो इसमें कौन सा आपको लग रहा है कि तत्सम है? देखिए सात का बी सही हो जाएगा, ठीक है। औरत, औरत जो है ये आपका तत्सम शब्द है, इसके लिए स्त्री प्रयोग किया जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दें आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही हो जाएगा, छोटा आ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में आती है? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर देना है। तो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, मगही। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है, चार दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दें, चार दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 10 नंबर का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, थोड़े दिन का सुख। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है, यथार्थ किस समास का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 11 है, यथार्थ जो है ये किस समास का उदाहरण है? 11 नंबर का राइट आंसर दें। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, कंटिन्यू आपके लिए मैं प्रयासरत हूँ, आपके लिए क्लासेस करा रहा हूँ, सिर्फ आपसे एक लाइक की डिमांड करता हूँ, प्लीज़ आप एक लाइक कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों को। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, अवयी भाव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, मुँह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुँह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? 12 नंबर का उत्तर दें आप लोग। 12 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सही, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दें, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, द्वंद समास है। दोनों पद प्रधान है, पाप पुण्य, माता पिता, भाई बहन, ये सभी आपके द्वंद समास के उदाहरण होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, दाजीव कहानी किसकी रचना है? दाजीव कहानी किसकी रचना है? और दोस्तों यहाँ पर देखिए, हिंदी आपका जो पूछा जाएगा 50 प्रश्न, उसमें भी लगभग लगभग 5 प्रश्न रचना और रचनाकार से आएंगे साहित्य के, और जीके का जो 50 प्रश्न आएगा उसमें भी दोस्तों 5 से 6 आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो बुक्स एंड ऑथर से रहेंगे, यानी उनके पुस्तक और उनके लेखक। तो मैंने 250 प्रश्न का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है, जिसमें केवल 250 प्रश्न जो आपके कराए हैं रचना और रचनाकार के कराए हैं, चाहे वो साहित्य के हों, चाहे वो आपका जीके के हों, रचना और रचनाकार, बुक्स एंड ऑथर, उस वीडियो को देख लीजिए, आई बटन पर लिंक मैं दे दूंगा, या फिर वीडियो कैंड में, या फिर चैनल पर जाकर देख सकते हैं, कल ही परसों अपलोड हुई है। 250 प्रश्न कराया है, उससे बाहर नहीं जाएगा, और वो 250 प्रश्न आप कर लेंगे ना, रिपीट करके याद कर लेंगे 3-4 बार में, तो 5 से 6 प्रश्न आपके जीके में, 5 से 6 प्रश्न आपके हिंदी में निश्चित तौर पर आपके सही जाने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए रचना एवं रचनाकार की। 14 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, शेखर जोशी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दें आप लोग। 15 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, निराला की। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है, ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दें। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी रचना रेणु की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दें, कौन सी रचना रेणु की नहीं है? 17 का डी सही हो जाएगा, देहाती दुनिया जो है ये रेणु की नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दीजिए। देखिए 18 का ए सही हो जाएगा, अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दें, कौन सा शब्द शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, प्रवाज्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? 20 नंबर का उत्तर दें, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी सही है, आज्ञावाचक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 है, हिया का तत्सम शब्द क्या है? हिया का तत्सम शब्द आपको बताना है 21 का राइट आंसर। तो 21 का आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, हृदय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है, औषाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? 22 का उत्तर देना है आपको, 22 का ए सही हो जाएगा, आओ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है, दू धन कर किसकी संधि है? 23 का उत्तर दें, इसकी संधि किसकी है? 23 का राइट आंसर, 23 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दुष्कर, विसर्ग संधि है इसमें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 है, गगन चुंबी
का समास विग्रह क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देना है। 24 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। अगला और अंतिम प्रश्न इस टेस्ट का दोस्तों 25 नंबर, जिसे लांघना बहुत कठिन हो का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दीजिए। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, दुर्लंघ। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इसमें आपने कितना सही किया आप लोग कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। डेली हमारे चैनल पर क्लासेस होती है, आप चैनल पर जाकर देखिए, प्लेलिस्ट से चेक कीजिए। बीएड की भरपूर क्लासेस हमारे चैनल पर मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने डिस्कस किए हैं आप चैनल पर जाकर जरूर देखिए।